हेलो, हाय, वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस? प्लीज़ कमेंट पे बताइए। एंड अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ भी, जो भी आपका कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। एंड मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी और बहुत खुश होंगी। मैं आप लोगों से कनेक्ट बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ। ओके, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूं, और मैं हीलिंग भी करती हूं, कॉर्ड कटिंग करती हूं, पर्सनल रीडिंग करती हूं, हीलिंग्स करती हूं। तो अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, क्रिस्टल, रुद्राक्ष एंड ब्रेसलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है मेरे साथ। तो अगर आपको उसमें से कुछ भी सर्विस चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है ना, वो आपको वीडियो की स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, वो क्या होगी। तो प्लीज़ आप, जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उसे रिपीट करिए, ताकि आप थोड़ा सा मन को शांत करिए, ताकि जो रीडिंग है वो आपसे कनेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, वो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बात हुई है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपको स्टॉक कर रहे हो, चुप चुप के आप पे नज़र रख रहे हो, आपके ऊपर आपकी जासूसी कर रहे हो। और इन सब में ना उन्हें कुछ ऐसा पता चला है, बट जिसमें ना मुझे सच्चाई नहीं दिख रही है, मुझे उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं दिख रही है, कि रियलिटी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को जो है ना, वो कुछ ऐसा पता चला है कि वो थोड़ा सा आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा वो अभी ऐसा सोच रहे हैं ना कि मुझे बहुत फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, मुझे सोच समझ के, मतलब आपकी जासूसी करने की ज़रूरत है मुझे। वो आप वो सोच रहे हैं कि वो आप पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। और अभी ना नेक्स्ट 24 आवर्स में ना, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होगा, या तो ये हो चुका है, या तो ये ऐसा होगा कि जिसमें से ना आपके पर्सन जो है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे, और आपका माइंडसेट जो है ना, वो आप दिमाग से सोचने लग जाओगे। वो ऐसा मुझे दिख रहा है, वो थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा ना मुझे मेटेरियलिस्टिक चीजों पे प्यार से ज्यादा फोकस मुझे कहीं और दिख रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे जो है वो दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर जो है वो कुछ एक शिफ्ट दिख रहा है, जो इतना पॉजिटिव नहीं होगा, एक एक शिफ्ट होगा, बट जो इतना पॉजिटिव नहीं होगा। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। और इसके साथ आपको भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपके पर्सन की तरफ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको भी उनके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, आपको थोड़ा सा इमोशन से हटके अपने माइंड से काम लेना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे और बताइए, यूनिवर्स मुझे और बताइए कि ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 24 आवर्स क्या हो सकता है, कि आपके जो पर्सन है ना, उनमें से आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ना, वो आपको चीट कर सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। और किसके साथ? अपने एक्स के साथ। आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने एक्स के साथ आपको धोखा दे सकते हैं। मीन्स आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको उनका उनके एक्स से फिर से कांटेक्ट होगा, उनसे कुछ बातें होंगी, मिलना जुलना हो सकता है, कुछ हो सकता है, जिस वजह से वो आप और वो ये बात आपसे छुपाएंगे, या वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ किया, और जिस वजह से आप ऐसा कुछ करो, और आपके जो पार्टनर हैं
वो इस चीज़ से बहुत अपसेट होंगे और आप दोनों के बीच में एक फाइट हो सकती है, और कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, या तो एक बड़ी फाइट हो सकती है आप लोगों के बीच में। तो ऐसा यहाँ पे मुझे एनर्जी जो है दिख रही है, कुछ एक मेजर शिफ्ट होने वाला है, एक चेंज होने वाला है आप दोनों के बीच में इस सिचुएशन में। और चेक करती हूँ, और कुछ लोगों के बीच में ना ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ लोगों का ना ऐसा भी हो सकता है कि उनके ना मैरिज फिक्स हो गई, उनके मैरिज फिक्स हो गई, कुछ लोगों के पार्टनर के मैरिज फिक्स हो गई, और उन्होंने वो प्रॉपर उस मैरिज में इन्वॉल्व हैं, वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं, परिवार वालों से सबसे बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपसे ये बात बताई नहीं है, उन्होंने आपसे ये बात छुपाई, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उस रिलेशनशिप में, वो बहुत अट्रैक्टेड थे और आपसे छुपाई। तो इस तरीके की मुझे सिचुएशन, प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए थोड़ा सा, और आपको ना थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो प्लीज़ आप अवेयर रहिएगा, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो आप ध्यान रखिएगा। एंड एक्चुअली अभी करंट फीलिंग चेक कर लेते हैं, या नेक्स्ट करंट फीलिंग पहले चेक करती हूँ मैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए यहाँ पे ना कंप्लीटली यही चीज दिख रही है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो किसी अलग दूसरे रिलेशनशिप में गए हैं, उन्होंने 100% वो गए हैं, 100% कोई तीसरा पर्सन है यहाँ पे, और उन्होंने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है। लेकिन अभी अब वो बहुत परेशान है, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो सोच रहे हैं और वो बहुत सैड है। और अभी तक जो भी टाइम हम दोनों ने अच्छा स्पेंड किया था, हो सकता है कुछ लोग फैमिली प्रेशर में आके भी ऐसा कर रहे हों, बट जो भी बात थी उन्हें आपको बताना चाहिए था, उन्होंने बताई नहीं, और अब वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं इस बात का। और कुछ लोग फैमिली प्रेशर में आके मैरिज के लिए रेडी हैं, बट हाँ, उन्होंने पूरा इंटरेस्ट दिखाया मैरिज में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ परिवार वालों के कहने की वजह से उन्होंने शादी कर ली, वो भी इंटरेस्टेड थे, बट आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया हुआ है ना, वो टाइम याद कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं, और वो इस टाइम को कि कैसे है कि आप दोनों के बीच में कैसी इंटीमेसी थी, कैसे रोमांस था, कैसी सारी चीज़ें थी, वो ये सब सोच रहे हैं, और ये देखिए वो मिस कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना चुपचाप, कुछ लोगों के पार्टनर ने कुछ चुपचाप, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए, और जस्ट केवल ब्लॉक कर दिया है आपको, गोस्ट कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, और करंट फीलिंग में मुझे यही सारी चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, वो एक नए रिश्ते में बढ़ने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे? ओके, देखिए फ्रैंकली बताऊंगी, ब्लंट होके, कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेंगे और वो आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एंड करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपने नए रिलेशनशिप में ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए, आपको खुद ये चीज़ पता चल जा गई होगी, आपको महसूस हो जाता होगा, तो आपको ना जो है अभी इस रिलेशनशिप की आस नहीं रखनी चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। बट कुछ लोगों के लिए, आधे लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, आपके पर्सन होप रखेंगे कि सब कुछ ठीक होगा, चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी, एक बार फिर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे दिख रही है। और नेक्स्ट सेक्शन में ये है कि हाँ, कुछ लोगों को तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट कुछ एक ग्रुप है जिनको वेट करना चाहिए। चलिए कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ, ज़्यादा मैसेज नहीं निकालूंगी, दो ही मैसेज निकालती हूँ आपके पार्टनर के। वो बोल रहे हैं प्यार से भरोसा उठ गया है, तो
रीडिंग में भी ये बात आई थी, तो मेरे दिल में 24/7 चलते रहते हो। तो ऐसी है आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।